हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिजू और आप देख रहे हो फ्रेंड्स इंडिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M1। जो मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 3GB और 32GB रैम वाला, और एक वेरिएंट में आता है ये फोन वो 4GB और 64GB का। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास है ये जो फोन है आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M1। जैसे कि मैंने बताया, तो इस फोन के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। तो ये जो फोन है मेरा दोस्त से लिया हुआ है, ठीक है, तो मैं उससे लिया हूँ, तो बस ये दिखाने के लिए क्या क्या इस फोन में बेसिकली दिया हुआ है। तो वैसे ही तो चलिए आइए बात करते हैं इस फोन की। सबसे पहले बॉडी की, तो आप देख सकते हैं साइड की तरफ आपको दिख रहा है यह एक पावर बटन, दूसरा है वॉल्यूम रॉकर, ठीक है, और बैक साइड में आपको दिख रहा है यह जो है हमारा EMI नंबर, Asus की तरफ से यह पोस्टर लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर, ठीक है, और यहाँ पर आप देख ही सकते हो Asus लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, ये है हमारा सिंगल फ्लैश, ठीक है, डुअल टोन फ्लैश वाला नहीं है, ये सिंगल फ्लैश। और ये दोनों कैमरा आप दिख रहे हो, आपको दिख रहा है दोनों कैमरा, एक है 13 मेगापिक्सल है, दूसरा है 5 मेगापिक्सल, ठीक है, डुअल कैमरा फ्लैश विथ फ्लैश। तो नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं, ये है हमारा स्पीकर और ये है हमारा चार्जर। हाँ दोस्तों, ये फास्ट चार्ज है, ये है माइक्रोफोन और ये है 3.5mm हेडफोन जैक। ऐसे हम गाना सुनते हैं, अब सबको पता ही है ये ऐसे क्या हो सकता है, लेकिन हाँ, एक Asus ने एक बात अच्छा किया है, ये जो हमारा हेडफोन है ये देखिए नीचे तरफ दिया हुआ है, ठीक है, हर फोन में यहाँ पर होता है। तो जब हम गाना सुनते हेडफोन लगा के तो पॉकेट में रखते हुए मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसीलिए ये बात चलो अच्छा है। अब बात करते हैं देखिए स्क्रीन की, तो ये हमारा 6 इंच का स्क्रीन, ठीक है, तो फुल HD स्क्रीन है। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं हमारा जो इसे सामने का स्पीकर मतलब कि माइक्रोफोन, और ये है हमारा सेल्फी कैमरा, तो ये है 8 मेगापिक्सल का, और फ्लैश भी है, मतलब के सामने भी फ्लैश है और पीछे भी फ्लैश है। तो इसका जो बैटरी बैकअप आपको मिलने वाला है वो है 5000 mAh का, तो चलो ये भी अच्छा है। और ये जो वेरिएंट है मैंने बताया 3GB और 32GB रैम वाला, तो इसमें आपको दोनों ही सिम 4G मिलने 4G देखने को मिलेगा, वोल्टी विद वोल्टी के साथ आएगा। और जो है इसमें खास बात, तो चलिए सबसे पहले फ़ोन को हम ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा लुक Asus Zenphone Max Pro M1 की। तो ये जो स्पीकर है मैंने बताया, ये है 5 मैग्नेट का स्पीकर है, ठीक है, इस के जरिए आपको अच्छा साउंड क्वालिटी मिलने वाला है सुनने को और देखने को भी, क्योंकि जब आप वीडियो देखोगे तो आपको साउंड बढ़िया आएगा। और ये जो है हमारा स्टॉक एंड्रॉयड में आता है, ठीक है, ये चलो अच्छा किया स्टॉक एंड्रॉयड, जो अपडेट मिलता है सबसे पहले स्टॉक एंड्रॉयड वाला यूज़र को ही मिलेगा गूगल की तरफ से। तो ये है ओडियो, तो इसका वर्सन जो है चलिए देखते हैं इसका वर्सन क्या है ओडियो। ये हाँ दोस्तों, ये कार्व डिस्प्ले है, ठीक है, हम जाएंगे अबाउट फोन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हमारा एंड्रॉयड वर्सन 8.1.0, ठीक है, ओडियो, तो ओडियो कुछ देखने में ऐसा है। अब इसको प्रेस करके रखोगे तो ये वाला आपको देखने को मिलेगा ऑक्टोपस वाला, आप इसके साथ खेल सकते हो, ठीक है, ऐसे ही खेल सकते हो। तो यही है, तो मुझे तो फीलिंग बहुत ही बढ़िया आ रहा है, क्योंकि ये जो है इसका मैंने ख़रीदा है ये फ्लिपकार्ट से। तो इसको आपको बॉक्स कंटेंट्स में मिलेगा, आपको चार्जर मिलेगा, और हाँ, और हाँ एक बात दोस्तों, ये जो है हमारा डेडिकेटेड सिम स्लॉट से, मतलब के यहाँ पर आप दोनों सिम कार्ड यूज़ कर सकते हो विथ HD कार्ड, मतलब के दोनों सिम यूज़ कर सकते हो और HD कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बढ़िया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बॉक्स कंटेंट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक चार्जर मिलेगा, वो फास्ट चार्ज है 5 वोल्ट का रेटिंग से, तो वो चार्जर है जो हम दिखा नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो मेरा फ़ोन है मेरा दोस्त से लिया हुआ है, बस ये वीडियो बनाने के लिए,
और हाँ, इसमें एक मैक्स बॉक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैक्स बॉक्स इसलिए कि आसुस बोल ये बोल रहा है कि वो मैक्स बॉक्स के ऊपर जब ये फ़ोन बिठाओगे तो ये जो स्पीकर है उसका साउंड बढ़िया आएगा, तो इसीलिए वो मैक्स बॉक्स भी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ पिक्चर खींचूँगा इस फ़ोन की, पोर्ट्रेट मोड वाला और विदाउट पोर्ट्रेट मोड वाला, तो वो पिक्चर हम दिखाएंगे कि कैसे दिखते हैं आसुस फ़ोन की पिक्चर, क्योंकि आसुस जो बोल रहा है हम ये देंगे वो देंगे, हमारा पिक्चर जो बढ़िया आता है। तो चलिए ये सब कुछ हम देख ही लेते हैं कि आसुस क्या देता है पिक्चर क्वालिटी और इसका ब्लैंड मोड भी कैसा है सब कुछ। तो चलिए, तो फ्रेंड्स स्टॉक 100 में ये है कैमरा, कुछ देखने को ऐसे आपको दिखेगा। तो यहाँ पर यह है आसुस का जो बताया कैमरा, तो देखिए यहाँ पर जो सारे ऑप्शन है, तो इतने सारे ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन से तो हम पिक्चर कुछ क्लिक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये डिस्प्ले जो है FHD फुल HD डिस्प्ले, मैंने बताया फुल HD, तो मुझे तो फीलिंग बढ़िया आता है। ये देखो रोटेट भी ऐसे होता है, अच्छा है स्टॉक एंड रेट गूगल की तरफ से। तो ये जो है मेरा फ़ोन, ये जो है मेरा फ़ोन देखिए आप, Asus Zenphone Max Pro M1। तो आज मैंने जितना तक हो सकता है मैंने बताया, ठीक है, आप कुछ पिक्चर में शो करूँगा। तो वीडियो कैसे लगे दोस्तों बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में, अपना ओपिनियन शेयर करें। और आप अगर यूज़ कर रहे हो ये Asus Zenphone Max M1 Pro वाला, कौन सा वाला वेरिएंट आप यूज़ कर रहे हो वो हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर लगता है कि हमने कुछ बोलना छोड़ दिया वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इतना वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच, एंड और एक बात, जय हिंद। কত কি যে আর বেঁধে রাখিব।